ख्रिस्त में प्यारे मित्रों, आज हम अध्याय 5 क्रिस्तीय व्यक्तित्व की विलक्षण अध्याय हम सीख लेंगे। इसके पहले हम जरा प्रार्थना करें। हे प्रभु ईसा मसीह, हमारा सर्वस्व, हमारा मुक्तिदाता, हमें आपके अनुरूप जीवन बिताने की कृपा दे। हम मसीह जैसे कार्यों को अपने जीवन में करते रहने की आशीष हमें प्रदान कीजिए। आज के अध्याय में हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिस्तीय व्यक्तित्व की विलक्षण अध्याय। प्रेरित संत पौलुस क्रिस्तीय कलीसिया के सबसे श्रेष्ठ प्रेरित है। क्रिस्तीय व्यक्तित्व को 3 आधारपूर्ण बातों में विभाजित किया जा सकता है। क्रिस्तीय जीवन दर्शन, क्रिस्तीय जीवन का मनोभाव और क्रिस्तीय जीवन शैली। क्रिस्तीय जीवन दर्शन एक व्यक्ति के समस्त दृष्टिकोणों को नियंत्रण करने वाली शक्ति है। इसमें प्रभु ईसा मसीह हम लोगों को सिखाते हैं, पिता ईश्वर हमारा स्नेही पिता है, सभी लोग हमारे भाई बहन है। इसी मनोभाव के साथ जब एक व्यक्ति जीवन जीते हैं, हम ईश्वर की इच्छानुसार ही जीवन बिताते हैं। क्रिस्तीय जीवन दर्शन में 5 पहलू है। पहला है ईश्वरीय दर्शन, दूसरा है आत्मदर्शन, तीसरा है मानव दर्शन, 14 है लोक दर्शन और 5वां है स्वर्गीय दर्शन। ईश्वरीय दर्शन, क्रिस्तीय जीवन दर्शन का आधार यह है कि ईश्वर हमारे पिता है। क्रिस्तीय जब ईश्वर को अपने पिता के रूप में मानते हैं और पिता के साथ संधान जैसा हम एक संबंध जोड़ते हैं। मसीह ने हमें सिखाया ईश्वर हमारा पिता है। जब हम ये हमारे पिता हम प्रार्थना करते हैं, मसीह ने हमको ईश्वर को पिता कहकर पुकारने का अधिकार दिया है। जब हम अपने जीवन में ईश्वर को सृष्टिकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, हम सृष्टिकर्ता की संतान है और हमारा कर्तव्य यही होता है कि पिता की इच्छा हम प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में पूर्ण करना है। मसीह ने कहा, तुम पूर्ण बनो जैसे स्वर्गीय पिता पूर्ण है। इसी प्रकार हम अपने जीवन में ईश्वर के प्राणवायु स्वीकार करते हुए हम सभी लोग ईश्वर जैसे अपने कदन और करने में पूर्ण बनने के लिए हम लोग कोशिश करते रहना चाहिए। हम ईश्वर के संतान बनने के लिए हम लोग अपने कदन और करने में ईश्वर की इच्छा ढूंढते रहना चाहिए और हम अपने जीवन में ईश्वरीय पूर्णता अपनाने के लिए हम लोग कोशिश करते रहना चाहिए। आत्मदर्शन, मानव ईश्वर की संतान है, यह क्रिस्तीय दर्शन का एक और पहलू है। हम ईश्वर को पिता कहकर पुकारते हैं और हम ईश्वर की संतान है। जैसे हम ईश्वर की संतान है, सृष्टिकर्ता ने जो हमारे व्यक्तिगत जीवन में जो योजना प्रदान किया है, रचा है, उसी के अनुसार, उसी तत्वों के अनुसार अपना जीवन बिताना
हम सभी मनुष्य लोगों का फर्ज बनता है। मानव दर्शन, ईश्वर हमारा पिता है और हम आपस में भाई भाई है। हम जाति पात वर्ग वर्णों के परे हम लोग कैसे एक दूसरों के साथ व्यवहार करना, यही हमें सिखाते हैं। भले समारी के दृष्टांत में हम पढ़ते हैं, भले समारी रास्ते में अधमरे पड़े एक आदमी को कैसे बचाया, अपने सवारी के ऊपर बिठाकर सराय ले गया और सराय के मालिक को अगले दिन बधाया उनकी सेवा शुश्रूषा करने के बाद, और कुछ खर्च हो जाए मैं आपको चुका दूंगा। यही मनोभाव, चाहे हम एक दूसरे को जानते नहीं हो, चाहे दूसरे धर्मावलंबी हो, लेकिन हम आपस में भाई भाई है, क्योंकि हम एक ही पिता की संतान है। लोक दर्शन, ईश्वर हमारे पिता है और हम भाई बहने हैं। इस दुनिया ईश्वर ने हमारे लिए सृष्टि की है और हम सभी लोग इस दुनिया में तत्काल के लिए जीवन जीते हैं। ये दुनिया हमारे लिए अस्थाई निवास है। हम सभी इस दुनिया में ईश्वरीय कार्य करने के लिए ईश्वर ने हम लोगों को जीवन दिया है। इस दुनिया हमारे लिए विश्व परिवार है। हम एक परिवार के समान एक दूसरे को सहायता करते हुए, मदद करते हुए हम लोगों को जीवन जीना है, तभी हम ईश्वर की संतान बन जाते हैं। स्वर्ग दर्शन, क्रिस्तीय जीवन दर्शन में हम सोचते हैं हमारा जीवन इस दुनिया में सीमित होता है, लेकिन है ही नहीं। मृत्यु हमारा जीवन का अंत नहीं है, हमको अनंत जीवन की ओर जाना है, क्योंकि मृत्यु स्वर्ग राज्य या स्वर्ग में प्रवेश करने का एक प्रवेश द्वार है। जो दुनिया में हम जो कुछ देखते हैं, जो कुछ अपनाते हैं, ये सब तत्काल के लिए है, क्योंकि हम मनुष्य लोग शरीर और आत्मा से सृजित है, क्योंकि हमारी आत्मा ईश्वर की आत्मा है। ईश्वर ने अपना प्राण वायु हमको दिया है, हमको इस प्राण वायु रूपी आत्मा को ईश्वर तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। इसलिए इस तत्काल दुनिया को छोड़कर हम लोगों को स्वर्ग राज्य प्राप्त करना क्रिस्तीय लोगों का फर्ज बनता है। कुरिन्थियों के नाम दूसरे पत्र अध्याय 5 वाक्य 1-2 तक वाक्यों में संत पौलुस हम सभी को अवगत कराते हैं कि ये अस्थाई तंबू को छोड़कर हमको आनंद जीवन के लिए प्रस्थान करना है। वह एक ऐसा घर है जो हाथ का बना नहीं है और अनंत काल तक स्वर्ग में बना रहेगा। इसलिए हम शरीर में कराहते रहते और उसके ऊपर अपने स्वर्ग निवास धारण करने की तीव्र अभिलाषा करते हैं। क्रिस्तीय जीवन का मनोभाव, एक व्यक्ति को जीवन के सच्चाई के प्रति जो अभिरुचि है, इसको हम क्रिस्तीय मनोभाव कहते हैं। ईश्वर हमारा सृष्टिकर्ता है, सभी मनुष्य हमारे भाई बहन है और इस दुनिया ईश्वर ने रचा है और इस दुनिया के सारे
जीव जंतुओं और वस्तुएं मनुष्य के लिए रचना की है। जब एक व्यक्ति इन मनोभावों के साथ अपने जीवन को अर्पित करते हुए या विश्वास करते हुए जीवन बिताते हैं, हम ख्रिस्तीय मनोभाव के साथ जीवन जीने वाला व्यक्ति है। ख्रिस्तीय जीवन के मनोभावों की कुछ विशेषताएं हम देख लेंगे। ईश्वर पर पूर्ण भरोसे का मनोभाव। हम ईश्वर को पिता कहकर पुकारते हैं और हम ईश्वर के संतान हैं, क्योंकि ईश्वर ने हम लोगों को माता के कोख में जन्म लेने से पहले ही हम लोगों को जान लिया है और चुन लिया है। माँ एक दूध मुहे बच्चे को भुला सकती है, लेकिन ईश्वर कभी अपनी संतानों को नहीं भूल सकते हैं। इसी प्रकार ईश्वर जितना आश्रय हम लोगों को देते हैं, संरक्षण देते हैं, उससे ज्यादा हम ईश्वर पर भरोसा रखकर जीवन जीना है। पिता ईश्वर के अनजाने के बिना एक गोरैया भी नीचे नहीं गिरती। इसी प्रकार पिता ईश्वर के प्रतिरूप और सादृश्य में बनाए हुए हम लोगों को ईश्वर कितना देखभाल करते हैं। इसलिए ईसा मसीह कहते हैं, कल के बारे में चिंता नहीं करो, कल अपने बारे में स्वयं चिंता करेगी। खेत के फूलों को देखो, वो आज भर है, और फूलों को देखो कितने सुंदर है, लेकिन ईश्वर जैसे उनको सजाते हैं, इसके परे ईश्वर मनुष्य लोगों को संभालते आ रहे हैं। असीसी के संत फ्रांसिस असीसी बताते हैं, मेरे ईश्वर मेरे सर्वस्व। संत फ्रांसिस असीसी अपने जीवन में मनुष्यों को और प्रकृति में जितने भी जीव जंतु है, उन्होंने जीव जंतु को भी भाई बहन के रूप में सम्मान किया। इसी प्रकार हम ईश्वर पर पूर्ण भरोसा रखकर जीवन जीना है। विश्व भाईचारे का मनोभाव। धर्म, जाति एवं देश के परे मनुष्य लोगों को प्रेम करना, उनकी सहायता करना, उनको अपने समान मानना। बाइबल में हम पढ़ते हैं संत मत्ती के सुसमाचार में, जब आपने इन भाइयों के लिए जो कुछ किया, आपने मेरे लिए ही किया। कोलकाता के संत मदर टेरेसा ने यही बात अपने हृदय में संजीद रखते हुए जीवन बिताया, काम किया, सेवा शुश्रूषा किया। यह विश्व भाईचारे का मनोभाव जो हमारे जीवन में उत्पन्न होंगे, शुरू होंगे, तब हम सही ख्रिस्त भक्त कहा जाता है। भलाई का मनोभाव। ख्रिस्तीय मनोभावों में सबसे महत्वपूर्ण है भलाई का मनोभाव। हम स्वयं भलाई करें और दूसरों को भलाई करने में प्रोत्साहित करें, क्योंकि भलाई करने में हम कभी हिम्मत न हारे। संत पौलुस यही बताते हैं, भलाई करते हुए बुराई के ऊपर हम विजय पाना है, क्योंकि हमारे आत्मा हम लोगों को सदा प्रेरणा देती है कि हम भलाई करते रहे, क्योंकि ईश्वर स्वयं भला है। हम ईश्वर के संतान होने के नाते हम लोग भलाई करते रहना चाहिए। आशावाद।
नकारात्मक विचारों का कथरा और सकारात्मक विचारों का सत्फल आज दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है। हमें भले कार्य करते हुए ईश्वर की महिमा प्रकट करने के बजाय हम लोग अपने जीवन में संग्रह द्वार से प्रवेश करने के बजाय हम विशाल रास्ते से जीवन बिताना चाहते हैं, क्योंकि आज हम गलत काम करते हुए, गलत विचारों को अपनाते हुए हम शॉर्टकट से हम फल लाना चाहते हैं। लेकिन ईश्वर हम सभी लोगों को सकारात्मक विचार अपनाते हुए, अपने जीवन में कष्ट और सहन लेते हुए, अपनाते हुए ईश्वरीय कार्यों को, भलाइयों को, सत्य को कायम रखने के लिए ईश्वर हम लोगों को आशीष देते हैं और इसके लिए प्रेरणा भी देते हैं। क्या हम अपने जीवन में शॉर्टकट से चलकर सफल होना चाहते हैं, या हम मुश्किलों का सामना करते हुए सकारात्मक विचारों को अपनाते हुए जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए चाहते हैं? लेकिन ईश्वर हम सभी ईसाई लोगों को, क्रिस्तीय लोगों को अपने जीवन में शॉर्टकट को अपनाने के लिए नहीं, मुश्किलों का सामना करते हुए ईश्वर के हित के अनुसार जीवन बिताने के लिए ईश्वर हमें प्रेरणा देते रहते हैं। क्रिस्तीय जीवन शैली, क्रिस्तीय जीवन शैली एक व्यक्ति के जीवन का, व्यवहार का तरीका है। एक व्यक्ति जो क्रिस्त को जानते हैं, मसीह के सार्वजनिक जीवन को समझते हैं और विश्वास करते हैं, जो व्यक्ति मसीही कार्य में विश्वास करते हैं और अपने जीवन में मसीह में विश्वास करते हुए जीवन बिताते हैं, उसी व्यक्ति मसीही जीवन शैली अपनाते हुए निस्वार्थ रूप से सेवा कर सकते हैं, और वो व्यक्ति मसीही जीवन शैली अपनाते हुए व्यक्ति बन जाते हैं। मसीही जीवन शैली की कुछ विशेषताएं हम देख लेंगे। ईश्वरीय प्रेम, हम सभी लोग ईश्वरीय प्रेम से प्रेरित होकर अपना जीवन जीना है। ईश्वर के साथ प्रार्थना करना, ईश्वर की आराधना करना, ये सब हम अपने जीवन में करते रहते हैं, तभी हम ईश्वरीय प्रेम से जीवन जीने वाला व्यक्ति होते हैं। अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना, ये सब ईश्वरीय प्रेम के तुल्य है। जो व्यक्ति अपने भाई के प्रति अपना जीवन अर्पित करता है, वो सबसे उत्तम उदात्त प्रेम है। इसी प्रकार हम अपने जीवन में ईश्वरीय प्रेम से प्रेरित होकर अपना जीवन जिए। आपसी प्रेम, क्रिस्तीय व्यक्तित्व की पहचान है आपसी प्रेम। जब हम एक दूसरे को आपस में स्नेह प्रेम करते हुए जीवन बिताते हैं, तो हम आपसी प्रेम में रहने वाले होते हैं। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 35, यदि तुम एक दूसरे को प्यार करोगे तो उसी से सब लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। दूसरी सदी के धर्माचार्य तर्तुल्यन ने मसीही लोगों के बारे में यही बताया और प्रशंसा भी किया, देखो हम जब आपस में ऋणा करते हैं तो वे आपस में कितना प्यार करते हैं। जब हम एक दूसरे की हत्या करते हैं तो वे एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार होते हैं।
शत्रुओं से प्रेम। ये ख्रिस्ती होने के नाते शत्रुओं को प्रेम करते हुए जीवन जीने के लिए हम लोग बाध्य होते हैं। मसीह ने स्वयं अपने शत्रुओं को प्यार करते हुए इस दुनिया को जीत लिया है। आज की दुनिया शत्रुओं के प्रेम को दुर्बलता का पर्याय समझते हैं, लेकिन मसीह ने कहा, जो आपके एक गाल पर थप्पड़ मारते हैं उनके सामने दूसरे गाल बधा दीजिए। इसी प्रकार जीवन जिए बहुत सारे शहीद लोग, धन्य लोग, संत लोग हमारे सामने नमूना के रूप में है। आइए हम अपने जीवन में आपसी प्रेम भाव के साथ अपने शत्रुओं को प्यार करते हुए मसीह जैसे जीवन जीने के लिए हम कोशिश करें। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 44 से 45 तक, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, इससे तुम अपने स्वर्गीय पिता के संतान बन जाओगे। सेवा करने की तत्परता। पापी हो या रोगी, दरिद्र हो या अनाथ, सभी को एक समान उनके साथ हम लोगों को सेवा करना चाहिए। जब आपने छोटे से छोटे इन भाइयों में से किसी एक के लिए जो भी किया, आपने मेरे लिए ही किया, ये मसीह का कथन है। हम ना धर्म को देखते हुए, ना देश को देखते हुए, ना जाति को देखते हुए सेवा नहीं करना चाहिए। सभी लोगों के साथ भेदभाव के बिना एक इंसान के रूप में इंसानियत के साथ सेवा कार्य करते रहना चाहिए। जो लोग ऐसे कार्य करते हैं वे लोग मसीही कार्य करते हैं, मसीह की सेवा शुश्रूषा करते हैं। प्रिय मित्रों, आज हम 5वां अध्याय में मसीह के मनोभाव, मसीह के जीवन दर्शन और मसीह के जीवन शैली के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया है। जैसे संत पौलुस अपने जीवन में मसीही कार्य किया, मसीह का सर्वश्रेष्ठ प्रेरित बना, इसी प्रकार हम संत पौलुस से, विशेषकर प्रभु ईसा मसीह से प्रेरणा लेते हुए अपने जीवन में मसीही व्यक्तित्व अभिव्यक्त करने के लिए हम लोग कोशिश करें। प्रभु ईसा मसीह हम प्रत्येक मनुष्य से यही चाहते हैं कि हम अपने जीवन में मसीह को निकट से जाने, पहचाने और विश्वास करें और मसीह से प्रेरणा लेते हुए अपना जीवन बिताने के लिए मसीह से आशीष मांगे। अभी हम प्रश्नोत्तर की ओर नजर डाले। पहला प्रश्न, अब से मैं जीवित नहीं रहा बल्कि प्रभु क्रिस्त मुझ में जीवित रहते हैं। संत पौलुस इस तरह के ऐलान करने में कैसे सक्षम हुए थे? संत पौलुस अपने जीवन में जो मन परिवर्तन हुआ है उसके बारे में हमें बताते हैं। जब वो युवा था, उनका नाम साउल था और उन्होंने रोमियों के लिए, जो लोग ईसाई बन जाते हैं उनको बंदी बनाने के लिए दमिश्क जा रहे थे। उसी समय घोड़े के ऊपर से वो गिर गए
और अंधा बन गए हैं और उन्होंने मसीह का दर्शन पाया है। तब से वो मन परिवर्तन करते हुए अपने जीवन में मसीही कार्य करने के लिए शुरुआत की। उन्होंने मसीह ने जो कार्य किए हैं उसको अपने जीवन में प्रकट करते हुए सुसमाचार की घोषणा करते हुए अपना पूरा जीवन मसीह के लिए समर्पित किए हैं। दूसरा प्रश्न, क्रिस्तीय व्यक्तित्व के आधारभूत घटक कौन से हैं? क्रिस्तीय व्यक्तित्व के आधारभूत घटक है क्रिस्तीय जीवन दर्शन, क्रिस्तीय मनोभाव, क्रिस्तीय जीवन शैली। तीसरा प्रश्न, क्रिस्तीय जीवन दर्शन से आपका तात्पर्य क्या है? क्रिस्तीय जीवन दर्शन एक व्यक्ति के समस्त दृष्टिकोणों को नियंत्रण करने वाला तत्व है। इसमें ईश्वरीय दर्शन, मानव दर्शन, आत्मदर्शन, लोक दर्शन एवं स्वर्ग दर्शन है। प्यारे मित्रों, अब तक हम अध्याय 5 क्रिस्तीय व्यक्तित्व की विलक्षणताएं के बारे में हम लोग अध्ययन किया है। मसीह ने जो कार्य हम लोगों को प्रदान किए हैं, हम ईश्वर को धन्यवाद दें। इस अध्याय में जो कुछ परामर्श किया है, हम इसके परे अपने व्यक्तिगत सोचों से ईश्वरीय कार्य के लिए और ईश्वरीय कार्य अपनाते हुए जीवन जीने के लिए हम लोग कोशिश करें। जब हम व्यक्तिगत रूप से, जैसे साऊल ने मसीह को देख लिया, मसीह का अनुभव किया और संत बन गया, इसी प्रकार हम अपने जीवन में शुद्ध जीवन बिताने के लिए या पवित्र जीवन बिताने के लिए हम मसीह से जुड़े रहे, बाइबल पढ़ते रहे और जो भी प्रबोधन है उसको भी हम हासिल करते रहे, तभी हम क्रिस्तीय, सही क्रिस्तीय भक्त बन जाते हैं। आइए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हुए जरा प्रार्थना करें। हे प्रभु ईसा मसीह, मेरा सर्वस्व, मैं अपने सोच विचार में आपके कार्य करते रहने के लिए मुझे आशीष दीजिए। मेरे भाई बहनों में, मेरे पड़ोस लोगों में आपको देखते हुए, जैसे संत मदर टेरेसा ने कोलकाता में जीवन जीते समय जीवन बिताया, सभी लोगों को अपनी सेवा शुश्रूषा देते हुए मसीह कार्य किए हैं। इसी प्रकार हम भी अपने व्यक्तिगत जीवन में एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों को ना भूलते हुए निस्वार्थ रूप से ईश्वरीय कार्य करने की शक्ति मुझे प्रदान कीजिए। Oh, oh, oh.